गोपालपुर पुलिस ने गुरुवार की देर रात कालाबाजारी के लिए पिकअप वैन पर ले जाए जा रहे जनवितरण प्रणाली के 23 बोरा गेहूं व 51 बोरा चावल एवं पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों में चालक महेश राय, अनाज कारोबारी सुमित कुमार उर्फ गुड्डू, संजय दास व नेपाली दास शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से गरीबों का निवाला कालाबाजारी होने से बच गया। जानकारी के अनुसार गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुरुवार की देर रात को गोपालपुर थाना के सटे महादलित टोले में जन वितरण प्रणाली की दुकान के निकट सड़क पर पिकअप गाड़ी में सरकारी अनाज लोड किए जाने के दौरान पुलिस छापेमारी कर सरकारी अनाज सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि बरामद अनाज किस प्रकार का है, इसकी जाँच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया से आग्रह किया गया। उनके निर्देश पर बिहपुर केएमओ अजीत कुमार, इस्माइलपुर व रंगरा केएमओ राजेश रंजन सिंह व नवगछिया व गोपालपुर केएमओ शशिकांत राम गोपालपुर थाना पहुंचे तथा अनाज की जांच की। जांच में चावल व गेहूं सरकारी होने की पुष्टि की गई। टीओएमओ द्वारा आरोपित सरकारी जनवितरण प्रणाली की दुकान व सरकारी अनाज के कारोबारी के तेल मिल की जाँच की गयी। जांच उपरांत डीला माला देवी सहित ड्राइवर महेश राय, अनाज कारोबारी सुमित कुमार उर्फ गुड्डू, डीला का मजदूर संजय दास व मजदूर नेपाली दास पर नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया। हालांकि डीला माला देवी को छोड़कर सभी आरोपितों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि एमओ शशिकांत राम के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है तथा सरकारी अनाज व पिकअप को जब्त कर लिया गया है। इन्होंने गोपालपुर थाना में बताया कि डीला की दुकान में जांच के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली, परंतु सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर सरकारी अनाज आया कहां से। हालांकि डीलरों पर वजन कम व रेट अधिक लेने की शिकायत उपभोक्ता द्वारा लगाया जाता है, परंतु विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से आम लोगों को मनमाने तरीके से राशन का वितरण किया जाता है। एक से अधिक प्रखंडों के प्रभार में रहने के कारण इनो द्वारा जाँच के नाम पर खाना पूर्ति ही किया जाता है। वहीं नाम नहीं छापने की शर्त पर डीलरों ने कहा कि 60-65 रुपये प्रति क्विंटल खर्च बैठता है, प्रतिमाह फिक्स राशि देना पड़ता है। मजबूरी में हम लोग उपभोक्ताओं से रेट अधिक व वजन कम देते हैं। गोपालपुर पुलिस की इस कार्रवाई से डीलरों में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार ड्राइवर ने अपने बयान में कहा कि मुझे गुड्डू ने कहा कि 50 कट्टा लोड करना है। गुड्डू ने अपने बयान में कहा कि मैं डीलर के यहाँ से अनाज का उठाव कर रहा था। संजय दास ने अपने बयान में कहा कि मैं दुकान का मजदूर हूँ। नेपाली दास ने कहा कि गुड्डू ने कहा कि माल गाड़ी में लोड करना है। नवगछिया से कन्हैया कुमार झा की रिपोर्ट।